जिंदाबाद, अभी शर्मा जिंदाबाद। अज असी लमीनी वासियां दी बहुत पुरानी जिहड़ी डिमांड सी, डिमांड की सी कि बहुत ज़्यादा इत्थे हालात खस्ता सीगे इस सड़क दे, अज वो जिहड़ा उस सड़क का जिहड़ा काम है वह शुरू करवाया। मेरे नाल अभी शर्मा जी जिहड़े इस इलाके दे कौंसलर साहब ने, सारे सारे ही लीडर साहबान इत्थे खड़े ने। आम आदमी पार्टी जदों तो सत्ता च आई है उदों तो साडे सीएम साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी जिहड़े ने वो दिन रात करके जिहड़ा वो काम कर रहे हैं। और तुसीं देखिया होणा जलंधर दे विच अपने पिछे असीं चोणां जितियां और असीं जिहड़ा चोणां दा विरोधी पार्टियां जिहड़ियां सीगियां उन्हां दे मुद्दे कुछ अलग सीगे, उन्होंने परसनली साडे ते अटैक किए, पार्टियां ते अटैक किए, लेकिन असीं जिहड़ा इक्को ही मुद्दा रखिया कि असीं काम करांगे, विकास करांगे और विकास के नाँ के वोटां लवांगे। सो असीं जलंधर दी चोण भी बड़े अच्छे मार्जिन तो जीती है। इस तरह पूरे पंजाब दे विच कल लुधियाने दे विच एक बहुत बड़ा अपना बस स्टैंड का उद्घाटन होया, सीएम साहब ने उत्थे उद्घाटन किया और इस तरह पूरे पंजाब दे विच जिहड़े ओह काम जोर शोर नाल लगे हुए ने। पठानकोट के उस कड़ी दे विच पठानकोट दे विच जिहड़ा विकास जिहड़ा है वह बड़ा उच्चे पद्धर ते होएगा। सीएम साहब जिहड़ा है उन्हां दा पूरा हथ है पठानकोट के उत्ते, वह कह रहे हैं कि पठानकोट जिहड़ा एक सरहदी इलाका है जिहदे नाल हिमाचल और J&K लगते हैं, असीं पठानकोट का विकास जिहड़ा है पूरे जोर नाल जिहड़ा वह करवावांगे। तो असीं अपने सीएम साहब के बहुत धन्नवादी हैं और एक रिक्वेस्ट मैं अपने कारपोरेशन के साडे जिहड़े कमिश्नर साहब है उन्हां अग्गे भी करांगा कि पिछली दिनी 15-15 लाख के काम होए सीगे, टेंडर होए सीगे जिहड़े कि जिन्हां दी अपने टैक्नीकल बिड जिहड़ी है वह खुल गई है, फाइनैंशियल बिड जिहड़ी है वह नहीं खुल रही। सो बिच इंटरफेयर करके जिहड़ी फाइनैंशियल बिड खोली जाए, क्योंकि पठानकोट के बिच इस वेले सीवरेज का बहुत बुरा हाल है, हर वार्ड के बिच जिहड़ा है वह सीवरेज ब्लॉक है और पानी जिहड़ा गलियां दे विच जिहड़ा घूम रहा है, गंदा पानी लोगों जा रहा। सो उन्हां अगे रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब अगे कि इन्नी देर दे बाद जिहड़े टेंडर लगे है उन्हां टेंडरां नूं खोलिया जाए ताकि हर वार्ड के बिच जिहड़ा पठानकोट के बिच असीं काम जिहड़ा करवाइए और इस तरह जिहड़ा पठानकोट का जिहड़ा विकास है वह बुलंदियों ते लियाइए, क्योंकि साल होया सानूं साडी सरकार बने हुए, एक सरकार एक साल के बिच असीं बहुत सारे काम किए ने, जो जो वादे किए सीगे लोगों के नाल वो वादे जिहड़े आस्ता आस्ता पूरे कर रहे हैं, जो गरंटियां दित्तियां सीगियां वो गरंटियां भी असीं पूरियां कर रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सारे लमीनी निवासियों का कि अज बड़ी संख्या के सारे दुकानदार कट्ठे हो के अज इन्हां दे मन च भी एक खुशी है, क्योंकि जदों भी इत्थों कोई स्कूटर गड्डी मोटरसाइकिल लंघदा सीगा ते इन्हां दी दुकानां दे शीशे टुटदे सीगे, इन्ना बहुत बुरा हाल सीगा इस इलाके का। सो मैं इन्हां सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि अज सारे बड़ी संख्या के इत्थे आ के इन्हां ने अपनी जिहड़ी सड़क का उद्घाटन करवाया। और मैं ये चाहना है कि नाल खलो के अभी जिहड़े कौंसलर ने इत्थों दे ये भी नाल हो के जिहड़ा है वह सड़क जिहड़ी है देखण, और खास तौर पर अपने कारपोरेशन के जिहड़े अफसर ने सैनी साहब साढ़े SC साहब ने और उस उन्हां दे नाल SDO साहब JE साहब सारे आए ने, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साढ़े जिहड़े ठेकेदार साहब ने अपने सोमू बडेरा जी जिन्हां ने ये काम बड़ा एक घाटे च लिया सी, लेकिन साड़ी रिक्वेस्ट से वो तो काम छड्डण नूं तैयार सीगे, लेकिन साड़ी रिक्वेस्ट से उन्होंने कहा कि मैं ये जिहड़ा काम है वो जरूर पूरा करांगा चाहे मैनूं घाटा भी होए। मैं उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा और ये जिहड़ा एरिया है इहनूं असीं वधिया और अच्छा बनावांगे, यही लोगों के नाल वादा करते हैं। जय हिंद जय भारत। जिहड़ी ये अप्रोक्सीमेटली ला लो इत्थों दी जिहड़ा लमीनी चौंक तो लैके खत्री सभा का एंड है अराउंड 700-800 मीटर 1 किलोमीटर के करीब ये होनी है, नाल राजपाल हॉस्पिटल वाली सड़क हैगी है, अराउंड 1.5-2 किलोमीटर का यह ट्रंच हैगा। ये वधिया तरीके नाल जिहड़े सोमू बडेरा जी कॉन्ट्रैक्टर ने, आप सारे लमीनी वासी विभूति शर्मा जी का अज धन्नवाद करते हैं कारपोरेशन अधिकारियों का, क्योंकि ये लोगों की बहुत वड्डी मंग सी। और इस रोड के इन्ने क्रंची तुम दसना चाहवागा कि इस रोड के कई सीवरस बने ने, कई वाटर सप्लाई पाइपां बनिया ने, क्योंकि जिस वजह रोड डैमेज से बिल्कुल ये सीवर भी बिल्कुल चौक से, हुण सीवर का भी आप सोल्यूशन करवाया, सीवर भी हुण प्रॉपर ठीक चल रहे हैं और उस तो बाद जड़ियाँ नवी जी वाटर सप्लाई की
जी अच्छे पाइपलाइन की कोई लीकेजिज सी वह भी सारिया चीज़ा हो चुकी हैं। आप सारे लमीनी वासी अज विभूति शर्मा का धन्यवाद करते हैं कि वह बड़ी और मेरे जिन्हें भी अपने बजुर्ग ने सारे मेरे जे युवा साथी जिन्हें भी दुकानदार भरा सारे ने इतने आ गए अज विभूति शर्मा की अगवाई के आप लमीनी का काम शुरू करवाता लोगों को बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी क्योंकि अज काम शुरू है दो दिन के लुक पै जाएगी और BM+PC का टेंडर जो सोमू वडेरा जी ने लेदा और प्रॉपर तरीके इतने ब्लिंकिंग लाइट विभूति जी ने आप एक रिक्वेस्ट की सी और कॉरपोरेट अधिकारी ने कहा कि यह लमीनी भी एक पठानकोट का एक बेहतरीन खूबसूरत इलाका बने उदे करके आप इतने लुक पाने तो बाद भी मैं थोड़ा दसना चाहवागा कि आप इतने लाइटा भी लगा गए हैं जड़ियाँ एक ब्लिंकिंग लाइटा है गाड़ी इतने चौंक के लगी दी हैं वह भी लमीनी चौंक तो लागे खत्री सभा राजपाल हॉस्पिटल तक लाइटिंग भी लवेंगे वाइट पट्टी भी करावे और जरा चौंक च आप खलोते हैं इतने आप एक चौंक वधिया बनाने लिए ATMM भी एक तो टैल का प्रपोजल भी है क्योंकि लोग अगे तक पेगी एक वधिया चौंक बनेगा कि लोग इतने आन लमीनी का भी नाम लोग लैन कि खूबसूरत इलाका है। मैं धन्यवाद करदा मेरे जेडे मदर ने सुनीता शर्मा जी इधर के कौंसलर ने मैं उन्होंने भी धन्यवाद करदा और विभूति शर्मा जी का क्योंकि और भगवंत मान जी सरकार है ये लोगों की हित लिए काम कर रही है साढ़े लोग परेशान ना हो अज आप काम शुरू करवाता जय माता दी जय हिंद जय भारत भगवंत मान जिंदाबाद विभूति शर्मा जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी विभूति शर्मा होना का जिन्हें सड़क का काम शुरू कराया अभी 4 महीने 5 महीने पहले गए थी कमेटी घर उन्होंने सानू लारे लपे लाए तो फिर अभी विभूति शर्मा जी को गए उन्होंने कहा तुम रुक जाओ थोड़े दिन मैं काम करवा देंगे थोड़ा तो अज उन्होंने काम सिरे चढ़ाता साढ़े वालों सारे मार्केट वालों बहुत बहुत मुबारक विभूति शर्मा जी ने तो आम आदमी पार्टी ने भी जिन्होंने अगे नाल तुर के साडा काम कराया सड़क का ये सड़क तो 2 साल तो टुटी जी ही जी 2 साल तो भी उपर हो गए नहीं जिसने इन्होंने सिर और काम कराया पाइपा का उस तो ज़्यादा खराब हो गई उदो तो मिट्टी कटाई से रोड़ी पवाती तो उस तो बाद लोगों ने शीशे भी टुटने शुरू हो गए तो चलो हूँ अं कहने चलो देर आए दुरुस्त आए तो वधिया काम हो जाए तो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। अज जी सड़क का जोड़ा काम लगन लगा ये अं कमेटी घर भी अं बड़े बारी वैसे चक्कर मारे आ सारे महला वासियां लैके तो जरा जे चौंक के जोड़े दुकानदार आ जोड़े सारे जने इकट्ठे हो गए कि पर काम किस पास बंदा नहीं आवे लारा जहा लग जाता ही तो 15 दिन बाद लग जाएगा 1 महीने बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद तो जोड़ा अच्छ काम स्टार्ट होया काम का सारा जोड़ा श्रेय आ ये विभूति शर्मा जी तो अभी शर्मा जी उन्होंने जाना क्योंकि अभी शर्मा ने जोड़ा बहुत ज़्यादा प्रयास किए इस काम बहुत ज़्यादा भज दौड़ की साढ़े ना बेचारे मैं क्या घट्टो घट 20 बार कारपोरेशन गए होने तो इस करके बड़े चिर का काम मटके का ही जोड़ा भी लारे तो लारे तो बुरा हाल तो अज मैं तो कहना भी लमीनी का जोड़ा जोड़ा एक कोड़ लगा मुकन तो कोड़ मकान के सारे ना व्डा जोड़ा रोल आ तो मैं हूँ अभी शर्मा को देंगा सारा इस जोड़ा चीज़ का जोड़ा शेरा अभी शर्मा के शेरे से बजेगा चेहरे से बजे क्योंकि अभी शर्मे ने जोड़ा दिन रात एक करके जोड़ा अज रोड का जोड़ा काम जोड़ा चालू कराता है पूरा सारे जोड़े वार्ड वासी महला वासी जोड़े चौंक के जोड़े दुकानदार है अज बहुत ही ज़्यादा खुश है तो अं जो लख लख जोड़ा धन्यवाद कर दे अभी शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। एवन हैंडीक्राफ्ट मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है कि उसे सजाने की, तो इस चिंता को भूलकर सजाइए अपने सपनों का घर, ऑफिस, होटल, रिसॉर्ट या फिर अपने कारोबारी बिल्डिंग को, फिर चाहे वे वास्तु के हिसाब से हो या फिर आधुनिक शैली के हिसाब से, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको केवल एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट में। द मेटल डिकॉर वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट स्टॉक कीपिंग यूनिट ऑफ मेटल डिकॉर इन द रीजन। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट है मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमाइजर्स, इनोवेटर्स, थोक सप्लायर्स एंड होलसेलर। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके द्वारा बनाया गया हर प्रोडक्ट जंग रहित प्रोडक्ट है, जी हाँ, रस्ट फ्री। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट के पास वॉल आर्ट, वर्सेस एंड प्लांटर्स, मिरर एंड क्लॉक्स, फ्लोर एंड टेबल लैम्प, कंसोल्स एंड नेस्टिंग टेबल्स, फिंगरिंग्स एंड स्टैचू एंड मच मोर। एवन हैंडीक्राफ्ट वी अंडरटेक इंटीरियर मेटल डेकर प्रोजेक्ट्स। ये सब मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए भी थोक और परचून की सेवा उपलब्ध है।
इन दिनों मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर आइए और मौका दीजिए A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट को आपके सपनों की दुनिया को सजाने का। A1 हैंडीक्राफ्ट स्ट्रीट एडजॉइनिंग A1's केक्स एंड बेक्स नजदीक पीर बाबा चौंग ढांगो रोड पठानकोट। आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं 9417604147 या फिर 9780546468।